हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रदीप। सो टुडे वी विल टॉक अबाउट MTS एग्ज़ाम्स के इस पे रिलेटेड। लाइक मुझे इतने सारे व्हाट्सएप मैसेज आए, ओके, इतने सारे। मैं फेसबुक पे एक पोस्ट करता हूँ तो उस पर 4-5 लोग कमेंट कर देते हैं कि MTS के एग्ज़ाम्स कब हो रहे हैं, ठीक है, MTS के एडमिट कार्ड कब आने वाला है। ऑल राइट, मैं उस पर टेलीग्राम पे कोई पोस्ट करता हूँ, वहाँ पे मैसेज करके आ जाता है कि MTS के एग्ज़ाम्स कब होने वाले हैं। आप किसी अदर मैं किसी अदर एग्ज़ाम्स के पोस्ट करता हूँ, चाहे वोकेशनल का हो गया, सर्वे, ड्राफ्टमैन का, AE का, JEE का, तो कहीं ना कहीं से MTS का आ ही जाता है कि MTS के एग्ज़ाम्स कब होने वाले हैं, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे। बहुत हो गया, ठीक है, MTS का हम लोग बहुत दिनों से वेट कर रहे हैं। इवन मैंने 3-4 टाइम्स कॉल कराया APSSB को, ठीक है, वहाँ के जो कभी कोई फीमेल्स कॉल उठाती है, कभी कोई मेल कॉल उठाता है, ओके, बस वो कहते हैं कि नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक। ऑल राइट, तो हम काफ़ी दिनों से वेट कर रहे हैं, स्टूडेंट भी इसमें बहुत वेट कर रहे हैं। अगर आप इसका थोड़ा है ना हम एनालिसिस करें, ओके, सो आपका एडवर्टीजमेंट कब हुआ था? 31 अक्टूबर 2019 में, 19 में, और अभी चल क्या रहा है? अभी चल रहा है आपका 2021, अप्रॉक्सीमेटली 2 ईयर्स होने वाले हैं, ओके। सिमिलरली भाई देखो, आपका सर्वेयर का हुआ, ड्राफ्टमैन का, वो उसका तो एग्ज़ाम करा दिया इन्होंने। वन मोर, इसमें एक एक्सक्यूज आ रहा था कि लाइक सर्वे ड्राफ्टमैन में जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स थे वो कम थे, और आपका जो MTS में है वो 27,000 है, अप्रॉक्सीमेटली 28,000 स्टूडेंट हैं, ओके, जिन्होंने अप्लाई करा हुआ है इस फॉर्म के लिए, तो उनको थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन इतना टाइम नहीं लगता कि आपको इतना टाइम ले लिया जाए, ओके। अब देखो यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट कितना है, 92। कितने नंबर, कितने स्टूडेंट ने अप्लाई किया, 27,000। अगर एक स्टूडेंट की फीस 100 रुपीज़ भी रख दो तो ये कितना हो गया, अप्रॉक्सीमेटली ये 27 के आसपास हो जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, डॉक्यूमेंट री वेरीफिकेशन कब हुआ MTS के, इसका सर्वे और ड्राफ्टमैन के साथ ही हुआ, अप्रैल तक हुआ, 3 मई तक मैंने इसके भी रिकॉर्डिंग पोस्ट किया था, ओके। तो उस पर ये आया कि लाइक आपका, मैंने कहा कि जिन बच्चों की, देखो कई बार ऐसा भी होता है कि लॉकडाउन चल रहा था उस वक्त, और फिर नेटवर्क की कनेक्टिविटी होती, कई सारे स्टूडेंट हैं अपने डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, अपने बस्ती में रहते हैं, तो वहाँ पे वो नहीं कर पाते, उनको ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती, नेटवर्क कनेक्टिविटी बहुत अभी अरुणाचल में देखा जाए तो कम है। इवन मेरी जो ऑनलाइन क्लासेस होती हैं उसमें देखो, अरुणाचल में जो ईटानगर, उसका मेन कैपिटल, वहाँ पर भी नेटवर्क की कनेक्टिविटी हो जाती है, इशू होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ हमें समझने की रिक्वायरमेंट है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कितना हुआ, 19 अप्रैल से 3 मई तक। तो बाद में मैंने कई सारे स्टूडेंट जब भी हुआ तो उनका मेरे पास फ़ोन आया कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेरा नहीं हो पाया, क्या करें। और लास्ट डे 3 मई को APSSB में एकदम से लाइन लग गई कि मेरा डॉक्यूमेंट री वेरीफिकेशन नहीं हो पा रहा, मेरे अप्लीकेशन फॉर्म में ये एरर्स है, फोटो नहीं हो पा रहा, फिर डॉक्यूमेंट में अपने कुछ डेटा उसको अपडेट नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो उन्होंने डेट को एक्सटेंड करा कितना तक, 10 मई तक। तो 19 अप्रैल से 10 मई तक आपका डॉक्यूमेंट रिवेरीफिकेशन हुआ, उसके बाद फिर वो एकदम से शांत हो गए, नथिंग, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं, कॉल करो तो बस नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक अपडेट होने वाला है, लार्ज नंबर ऑफ डेटा है। भाई लार्ज नंबर ऑफ डेटा है तो 27,000 कहाँ बहुत ज़्यादा हो गए, ठीक है, इनका तो एग्ज़ाम तो कराना है, पैसे तो ले लिए, अगर आप इतने लार्ज नंबर ऑफ डेटा है, कैंडिडेट्स हैं, स्टूडेंट हैं, तो आपने एडवर्टाइज़ क्यों करा? और ये कब का है, 19 का है, अक्टूबर 19 का है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये चीज़ समझनी होगी कि इतना लार्ज टाइम नहीं ले सकते हैं हम किसी भी एग्ज़ाम्स को कराने के लिए, ठीक है। APSSB नो डाउट बहुत अच्छे काम करा, अभी उसने CGL का देखो, इसने अक्टूबर आपका दिस जून में निकाला और दिस अगस्त में आपका एग्ज़ाम करा रहा है, ठीक है, 1 अगस्त को, और 8 अगस्त को डॉक्यूमेंट स्किल टेस्ट का भी नोटिस कर दिया है, ठीक है। अब मोस्टली मान के तो 1 अगस्त लास्ट तक सबको ज्वाइनिंग लेटर में भी वो आपको प्रोवाइड करा दें, क्योंकि जो अरुणाचल है वहाँ पे ज्वाइनिंग बहुत फास्ट कराते हैं, ठीक है ना, अदर्स हो गए, SSC के हो गए, फिर UPSC हो गया, तो इन सब में लाइक आपका टाइम लग जाता है कि 6 मंथ, 7 मंथ, 8 मंथ, 9 मंथ, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमें करना क्या, एग्ज़ाम्स का तो ये देख लिया, डिटेल्स हो गई, कितना सारी डेट्स हुई, बट मई के बाद क्या हो एकदम से शांत, जून हो गया, जुलाई हो गया, अब देखो अगस्त, 2 महीने हो गए, अप्रॉक्सीमेटली 3 मंथ्स होने वाले हैं, और इन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन निकाली नहीं। इसके बीच में सर्वेयर का करा दिया एग्ज़ाम, ड्राफ्टमैन का करा दिया, लेकिन सर्वेयर में भी थोड़ा कुछ मेलवेयर प्रैक्टिसेस हो गए, या फिर स्टूडेंट ने कुछ वो कर दिया, तो उसकी वजह से थोड़ा उसका एग्ज़ाम, उसका रिजल्ट होल्ड में है,
ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया आपका MTS का। अब हमें करना क्या है, ठीक है, हमें जस्ट ये काम करना है कि मोबाइल फ़ोन उठाना है, अपने ईमेल में जाना है और MTS को मेल करना है, APSSB को मेल करना है। मेल एड्रेस क्या है, हेल्प डेस्क, HELPDESK, के हेल्प डेस्क, बीच में डैश ज़रूर लगाना जब आप मेल करना, तो बीच में डैश ज़रूर लगाना। डैश नहीं लगाओगे तो आपका ईमेल वो डिलीवर नहीं होगा, वो आपको ईमेल एड्रेस गलत बताएगा। तो हेल्प डेस्क डैश APSSB @ARN.gov.in, इस पे मेल करना है, ठीक है, इस पे मेल करना है। ये मोबाइल नंबर है, ठीक है, इस पे मोबाइल नंबर है, सेम सबके मोबाइल फ़ोन में आजकल देखो फ्री टेक्स रहता है, ओके, सब लोग अनलिमिटेड प्लान लगा के रखते हैं, तो इनको मैसेज भी करना है सिमिलरली इसी नंबर्स पे, ओके, सिमिलरली इसी नंबर्स पे सबको मैसेज भी करना है। ये दोनों नंबर्स आप नोट कर लीजिए, ठीक है, इस पे आपको क्या करना है, मैसेज भी करना है, ठीक है, कंडक्ट MTS एग्ज़ाम। और जब आप ईमेल करना तो उसमें सब्जेक्ट में क्या लिखना है, कंडक्ट MTS एग्ज़ाम, कंडक्ट MTS एग्ज़ाम, ओके, कंडक्ट MTS एग्ज़ाम, सब्जेक्ट में क्या लिखना है, ठीक है, सब्जेक्ट में ये लिखना, फिर नीचे ईमेल में लिखना IM अपना नाम, ओके, आई हैव फिल्ड माई एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ MTS इन अक्टूबर 2019, ओके, नाउ इस नाउ इज टू लॉन्ग टू वेट फॉर MTS एग्जाम, रिक्वेस्ट टू यू कंडक्ट MTS एग्जाम एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। यहाँ पे सिंसियरली और फेसफुली, यहाँ पर अपना नाम भी दे सकते हो, आप यहाँ पे एन एस्पिरेंट भी लिख सकते हो, एन कैंडिडेट, एक कैंडिडेट भी लिख सकते हो, ठीक है। ये इतना काम आपको करना है, और ये करके क्या करना है, आपको मेल कर देना है किसको, APSSB दिस पे। बीच में मैं फिर से करूँ, डैश लगाना नहीं भूलना है, हेल्प डेस्क डैश APSSB@ARN.gov.in, ठीक है। अब इतना करना, कितने नंबर आप स्टूडेंट हैं, 27,000 है, 28,000 अप्रॉक्सीमेटली ले लो, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप इतने भी मेल कर सकते हो, 10,000 भी मेल हो गई, तो मोर देन सफिशियंट है, ठीक है, एटलीस्ट आपको इतना करना, ये मोर देन सफिशियंट है, इतने नंबर आप तो मेल्स आपको करने ही करने हैं, और इतना कर दिया तो देखना विद इन 4 to 5 days, ओके, विद इन 4 to 5 days वो क्या करेगा, चाहे वो एक डेट बताए किस डेट के बाद हम आपको नोटिफाई करेंगे, ओके, या फिर वो आपको बता दे कि नहीं अभी इतने नंबर आपका, इतने डेट्स को हम इसका एग्ज़ाम कराएंगे, ओके, या फिर वो आपको एक नोटिस, पब्लिक नोटिस, या फिर वो ब्रीफ में आपको प्रेस ब्रीफ कर दें, या फिर वो आपको प्रेस मीटिंग करके उसमें बोलें कि MTS के एग्ज़ाम इतना होगा। लेकिन आपको ये काम ज़रूर करना है अगर आपको एग्ज़ाम्स देने हैं MTS के जल्दी से जल्दी, ठीक है। कितना, आपको 10,000 तो मेल्स तो होनी होनी चाहिए भाई, 27,000 स्टूडेंट हैं तो 10,000 मेल्स नहीं कर सकते हो, सबके फ़ोन में रहता है, इंटरनेट रहता है, आप क्या करो, मेल कर दो, मोबाइल नंबर है इस पे मैसेज करो, कंडक्ट APSSB एग्ज़ाम्स, कंडक्ट APSSB MTS एग्ज़ाम, जितने जल्दी से जल्दी हो सके, ठीक है। आपको इतना तो मेल, अगर आपने इतना कर दिया, ओके, तो ये मान के चलो कि आपका 4 to 5 days में ही APSSB, चाहे वो अंडर सेक्रेटरी, चाहे वो अंडर रजिस्ट्रार, चाहे वो कंट्रोलर ऑफ द एग्जामिनर, किसी के भी रिस्पेक्ट में आपको, चाहे वो नोटिस निकाले, चाहे वो प्रेस ब्रीफिंग करे, कुछ ना कुछ करके बताएगा ज़रूर, ठीक है, ये कुछ ना कुछ करके बताएगा ज़रूर। अब इसमें देखो बेनिफिट किसका, बेनिफिट स्टूडेंट का है भाई, क्या जो MTS के लिए अप्लाई कर रहा है उसकी लाइफ नहीं है क्या, उसकी फैमिली नहीं है क्या, ठीक है, इसमें बेनिफिट आपका ही है। एग्ज़ाम जल्दी होगा, जल्दी सिलेक्शन होगा, एटलीस्ट 92 स्टूडेंट तो एम्प्लॉयड होंगे,
उनको तो ये इम्प्लॉयमेंट मिलेगी, वो जाके तो अपना काम करेंगे भाई। जहाँ पे अभी वो एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में लगे हैं बेचारे, 2 साल हो गया, उनका भी हौसला टूट जा रहा होगा। ठीक है, तो आपको ये काम करना है। 92 लोग तो एम्प्लॉयड होंगे, उनको तो एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, उनको तो जॉब मिलेगी। ठीक है, तो इसमें आपको ये सिर्फ यही काम करना है कि उनको मेल करनी है, और ये कंडक्ट में राइट, आई एम, माई नेम इज़ दिस, ओके, एंड आई हैव अप्लाइड माई एप्लीकेशन फॉर्म द MTS एट 2019 अक्टूबर। नाउ इट्स टू लॉन्ग टू वेट फॉर द MTS एग्जाम्स। रिक्वेस्ट, यहाँ पर आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, ऐसा ना कि गाली गलौज कोई नहीं करेगा, कोई अब्यूज़ नहीं करेगा मेल में, ठीक है, कोई अब्यूजिव मेल नहीं करेगा, ओके। आपको सिंपल रिक्वेस्ट टू यू कंडक्ट द MTS एग्ज़ाम एज सुन एज पॉसिबल यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, लास्ट टाइम आपके यहाँ आपको पता हो तो जब स्टाइपेंड और स्कॉलरशिप का बहुत ज़्यादा इशू हो रहा था, ओके, तो उस पर भी आपके यहाँ के कुछ लोकल्स लोग थे, ठीक है ना, एक सोनम सर के करके थे, उन्होंने काफ़ी इस पीसी पे रिपोर्टिंग करी, जो वीडियोस बना के डाले, ओके, ये सारी चीज़ें उन्होंने किया। बट यहाँ पे एक चीज़ देखो, जब मैंने इस चीज़ के आप लोगों के सपोर्ट में एक पोस्टर बना फोटो में करके ऐसे अपनी फ़ोटो डाली कि रिलीज़ इज़ माई स्टाइपेंड एंड स्कॉलरशिप, ठीक है ना, तो और हैशटैग में डाला एजुकेशन मिनिस्टर और CM को, तो बहुत सारे पॉजिटिव रिस्पॉन्स आए। बट उसमें कुछ बेवकूफ़ ऐसे भी थे जिन्होंने कहा क्या हमारे अरुणाचल को बदनाम मत करो, ठीक है, तो मैं उनके लिए सिर्फ ये कहना, आप अपने राइट्स के लिए, आप अपने हक के लिए फाइट कर रहे हो, ठीक है, आप किसी से जाके बिग नहीं कर रहे हो। गवर्नमेंट भी चलती है, जो कुछ भी चलता है वो सिर्फ आपके टैक्सेस से चलता है, चाहे वो एक हायर क्लास का आपका सबसे टॉप कंट्री का जो सबसे टॉप रिचेस्ट पर्सन हो, या फिर आप चाहे छोटे से छोटा, चाहे वो बिगर्स हो, आप सभी कोई गवर्नमेंट को पेड करते हो। आप एक माचिस लेते हो, मैच बॉक्स लेते हो, आप एक टॉफ़ी लेते हो, ठीक है, आप एक सिगरेट, सिगरेट तो छोड़ ही दो, ठीक है, आप एक साल्ट तक लेते हो, उसमें तक आप टैक्स देते हो गवर्नमेंट को, ठीक है। तो इस बात का बिल्कुल भी मत करना कि आपने राइट्स के लिए लड़ रहे तो अपनी स्टेट को या फिर किसी चीज़ को, कम्युनिटी को, या फिर आप किसी चीज़ को ये क्या कर रहे हो कि आप उसको ह्यूमिलेट कर रहे हो, या फिर आप उसको बदनाम कर रहे हो, इसकी इंसल्ट, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सिर्फ अपने फाइट, अपने राइट्स के लिए फ़ाइट कर रहे हो भाई। एग्ज़ाम करा दो हमें, तो हमें कोई ना थोड़ी ना खुशी है कि हमें ऐसे वीडियो बना के मेल करने का, एग्ज़ाम करा दो, ठीक है। इसमें मेरा पर्सनल बेनिफिट नहीं है, पर्सनल बेनिफिट एक है कि जो मुझे मैसेज आते हैं, ठीक है, कि MTS का एग्ज़ाम, मैं कुछ और पोस्ट करता हूँ तो उसमें पूछ लेते हैं कि MTS का है क्या, तो ये चीज़ मुझसे थोड़ा रिलैक्स मिलेगा। फेसबुक पे भी इतने सारे मैसेज आते हैं कि MTS की डेट्स कब आ रही है, MTS की डेट्स कब आ रही हैं, तो उनको भी मैं कितना बताऊँ कि आज होगा, कल होगा, परसों होगा, क्योंकि जब मैं फ़ोन करता हूँ PSSB का, तो वो कहते हैं कि बस 1 वीक रुक जाओ, उसके बाद आपका हम नोटिस निकाल रहे हैं। तो अभी बहुत हो गया, सिंपल सा एक काम करना है आपको, सिर्फ मेल करना है, ठीक है। इसमें मेरा पर्सनल बेनिफिट नहीं है, ओके, मेरा कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं है, बस यही है कि आपके मैसेज, व्हाट्सएप मैसेज और ये टेक्स्ट आना थोड़ा कम हो जाएगा मेरे लिए, ठीक है। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इसको APSSB को मेल करो, इसकी मेल हो गया, ये आपको सब्जेक्ट में लिखना है, या आपको कंटेंट में लिखना है, करके मेल करो। एंड इसमें देखो, कुछ और मैसेज मेरे पास आए थे कि लाइक जब मैंने स्टाइपेंड और इन सब के लिया और इन सारी चीज़ें करता हूँ तो आपको इसमें क्या बेनिफिट हो रहा है, तो मेरा इसमें कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं है। मैं खुद 17 बैच का, आपने सुना होगा, UPSC इंजीनियरिंग सर्विसेज कराता है, ESE 2017 बैच का मैंने MEDE ज्वाइन करा, वहाँ पे ESE की कोचिंग्स करी, ठीक है, सेम ईयर्स में क्वालिफाई करा, और मैं करेंटली NHI डिपार्टमेंट एज ए डिप्टी मैनेजर पोस्टेड हूँ। तो इसमें मेरा कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं है, ओके, ये आपका एग्ज़ाम सोचेगा, आपके लिए इसमें बेनिफिट है, ओके, आपके लिए इसमें बेनिफिट है, आपका एग्ज़ाम सोचेगा, आप सिलेक्ट हो जाओगे, अपनी जॉब करना स्टार्ट करोगे, ठीक है, चाहे वो 92 स्टूडेंट हों या फिर वो चाहे 1 स्टूडेंट हों। तो आपको एटलीस्ट 10,000 मेल्स करनी ही करनी है, ठीक है, 10,000 मेल्स करना ही करना है, और जो मेल्स नहीं कर रहे हैं उनको ये मैसेज करना है, इस नंबर पे मैसेज करो। अगर इतनी मेल्स आ गई तो आई एम डैम श्योर कि
कि विद इन अ वीक और 2 और 3 डेज में ही आपको एपीएससी नोटिस निकाल के देगा, ठीक है। इसमें कोई पॉलिटिकल वो नहीं है, इसमें कोई भी फालतू की चीज़ नहीं, सिर्फ आप अपने राइट्स के लिए सिर्फ मेल कर रहे हो और ये कोई गलत बात नहीं है, ठीक है। 27 नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं, आप 10,000 मेल नहीं करा सकते हो, आराम से हो जाएगा जिन जिन लोगों ने एमटीएस का फॉर्म फिल करा हुआ है। सिमिलरली फॉरेस्टर का, हेड कांस्टेबल का, वो लोग भी इसको सेम चीज़ करेंगे क्योंकि उन्होंने जो उसका फॉर्म भरा है सेम स्टूडेंट ने एमटीएस के लिए भी फॉर्म फिल करा हुआ है, ठीक है। ऐसा नहीं हेड कांस्टेबल का है तो उसके लिए नहीं, ठीक है। आप इसको ज़रूर करो, मेल करो, ठीक है ना, आप इसको ज़रूर मेल करो, ओके। तो ये हो गया आपका एमटीएस का, ये काम आपको करना ही करना है। गवर्नमेंट आपकी सारी चीज़ों से चल रही है, वो आपके आपके वेलफेयर के लिए है, ठीक है। आप उसको बताओ, वो एक्चुअली काम कर रहे हैं बट उनकी काम करने की डायरेक्शंस थोड़ी गड़बड़ हो जाती है आपकी एमटीएस के लिए। तो आप इस चीज़ को ध्यान देना है कि मेल करना और एमटीएस को ज़रूर मेंशन करना है कि एमटीएस एग्ज़ाम, ठीक है। ये श्योर है कि आपको विद इन अ वीक नोटिफिकेशन मिलेगा अगर इतनी मेल्स आ गई तो जिन लोगों ने फॉर्म फिल करा हुआ है, ठीक है। आप सभी को ही मेल करो एपीएससीबी को, जल्दी से जल्दी आपको इस चीज़ में नोटिस करेगा क्योंकि लॉन्ग टाइम हो गया। 10 मई को जब रीवेरिफिकेशन डन हो चुका है तो उसको सिर्फ लिस्ट निकाल करके और एग्ज़ाम के डेट कराने में उसको कोई सुने, अभी कोविड का भी इतना वो नहीं है वहाँ पर आपके नॉर्थ ईस्ट में, ओके, आपके अरुणाचल में, तो एग्ज़ाम कंडक्ट करा देगा, नहीं तो उसका एक बहाना हो जाएगा कोविड पेंडेमिक। तो अभी आपके एग्ज़ाम्स हो जाएंगे, सितंबर तक शेड्यूल आ गए हैं एग्ज़ाम्स के, एपीएसएसबी का भी और इसका एपीएससी का भी, एपीबीसीएस का भी, ठीक है। तो आपको मेल करना, और मेल करोगे तभी एग्ज़ाम्स होंगे, नहीं तो फिर लटकाते हुए चले जाएंगे क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं तो उनके लिए वो शेड्यूल निकालेंगे, फिर वो शेड्यूल उनका निकलता चला जाएगा तो आपका एग्ज़ाम्स और ये पिछड़ता चला जाएगा। तो सिंपल सा काम करना है आपको, मेल करना है एपीएसएसबी को, सब्जेक्ट में लिखना है दिस कंडक्ट एमटीएस एग्ज़ाम्स और ये आपको उसमें लिखना है, ठीक है, करके मेल करना है और मेल करके, ठीक है, वेट करो 1 वीक का, आपको ज़रूर नोटिस मिलेगा, ठीक है, कि इतने डेट्स को एग्ज़ाम होगा या फिर ये रीजन से आपको एक एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि हाँ अब आपके एग्ज़ाम्स की है, क्योंकि बहुत लॉन्ग टाइम से आपने वेट कर लिया कि हो ही रहा है, ठीक है। स्टिल अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स होती हैं तो मैं आपको अपना नंबर यहाँ पे नोट करके देता हूँ, ऑलराइट, 9555590916, ये मेरा मोबाइल नंबर है, आप इस पे मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो और आप टेक्स्ट भी कर सकते हो, व्हाट्सएप भी कर सकते हो, ठीक है। बट ऑलरेडी मेरे पास डेली 10 to 15 तो एमटीएस के लिए मैसेज आते ही आते हैं कि एमटीएस की डेट्स आई क्या, एमटीएस के एग्ज़ाम्स कब होने वाले हैं, एडमिट कार्ड आया क्या इसका, ठीक है। इसलिए मैं वीडियोस बना रहा हूँ ताकि आपको जल्दी से आपके जल्दी से एग्ज़ाम हो और आपको जल्दी से आपकी ये जॉब मिले, नहीं बहुत लॉन्ग टाइम हो गया भाई, अक्टूबर देखो ये 2 साल होने वाला है, अगस्त सितंबर अक्टूबर 2 साल हो गया और इसके नाम पर क्या है, 0, कुछ भी नहीं। इसके पहले के इसके बाद के जो एग्ज़ाम्स हैं वो करा दिए हैं, LDC UDC का करा दिया, ठीक है, या फिर आपका इसका सर्वेयर ड्राफ्टमैन का करा दिया, आप ही सबसे पिछले लटके हो क्या, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप MTS के लिए अप्लाई करो, इस डजन मीन कि आप एग्ज़ाम्स नहीं कराएंगे या फिर आप बहुत छोटी पोस्ट है, ओके। आपको ये काम करना ही करना है, ठीक है, ये काम करना ही करना है। एंड वन मोर थिंग मैं जो इसमें ऐड करना चाहूँगा, ठीक है, देयर इज अ नेम ऑफ कोचिंग दैट इज मिश्रा अकेडमी, ओके, मिश्रा अकेडमी, मेरा इसके साथ टाई अप रहा है, ठीक है। बट AE के लिए इन्होंने बहुत, जो मैंने एक बुक्स निकाली थी असिस्टेंट इंजीनियर AE सिविल के लिए, ओके, AE सिविल के मैंने बुक्स निकाली थी, इसमें जब प्रिंट कराया गया तो कई सारी मिस्टेक्स थी, एरर्स थी, तो उसको रोक दिया गया, ओके। और बुक में जो कंटेंट भी है वो भी बहुत, मतलब जो उसके थेरीज हैं वो बहुत ज़्यादा है, उनको थोड़ा कट करना है, ओके। इन सारी चीज़ों से मैंने उनको कहा कि अब आप प्रिंट मत करवाइएगा, बट विदाउट कंसर्न उन्होंने ये बुक प्रिंट कराई, ठीक है, AE सिविल की टॉपिक वाइज बुक है, उसका ऑथर मैं हूँ, उसको मैंने लिखा था कंटेंट वगैरह, ये सारी चीज़ें कराई, ओके। और फिर लास्ट में क्या, उन्होंने 800 और 900 वो इवन 1000 रुपीज़ इस बुक का सेल कर रहे हैं,
जबकि ये वल्गर है, किसी बुक का 1,000 रुपये तो प्राइस कर ही नहीं सकते भाई, सिर्फ सोल्यूशन का। ठीक है, मेरी रिक्वेस्ट है कि अभी आप वो बुक्स बाई मत करना, ठीक है। वो कुछ एरर्स हैं, वो एरर्स इम्प्रूव होंगी, और इतना तो प्राइस हो ही नहीं सकता आपका। ऑनलाइन अवेलेबल होगी ये बुक, ओके, ऑनलाइन ये बुक अवेलेबल होगी अप्रॉक्सीमेटली 400 से 500 रुपीज़ में, ठीक है। फ्लिपकार्ट और अमेजन पे आपको अवेलेबल मिल जाएगी बुक इसी नेक्स्ट मंथ से। तो मेरी इनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम प्रिंट कराएंगे कराएंगे, सारा कंटेंट मेरा था बट उन्होंने अपने नाम से प्रिंट करा रहे हैं, मुझे इस चीज़ का नहीं है। बट अभी इसमें बहुत सारे एरर्स हैं, स्टूडेंट लेंगे तो वो गलतियाँ कर देंगे, तो वही सेम चीज़ वो एग्ज़ाम्स में करेंगे, तो ये फ्रॉड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आप उसके चीज़ों में मत आइएगा, ये एडिशनल था, ठीक है, बट MTS के नहीं है। बट आपका जो बेसिक पर्पज़ है वो यहाँ पे कंप्लीट होना चाहिए, एटलीस्ट इतने मेल्स तो होनी चाहिए, इतना याद करके रखो। आप जो भी आपके फ्रेंड्स हों, जो भी आपके नॉन सर्कल में हो जिन्होंने एग्ज़ाम्स दिया, आप उनको इस चीज़ को शेयर करो कि आप एग्ज़ाम्स कराओ और जल्दी से जल्दी कराओ, इसमें कोई गलत नहीं। आप हर एक अपनी चीज़ें लीगली कर रहे हो, मेल करे उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। अगर ऐसा नहीं वो करते हैं विद इन वीक नहीं करते हैं, बट ऐसा कोई रीज़न ही नहीं कि नहीं करेंगे। अगर आपने 10,000 मेल कर दिया तो डैम श्योर कि आपका एग्ज़ाम्स क्या, अभी ये अगस्त ये लास्ट है ना, विद इन अ वीक आपको नोटिस आ जाएगा एग्ज़ाम्स की, अगस्त 1st वीक, 2nd वीक, 3rd वीक में, जब भी चाहे जब वो एग्ज़ाम करा दें आपका, ठीक है। और मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियोस को जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको शेयर करना, चाहे उनको शेयर करो, चाहे ये चीज़ सजेस्ट करो कि आप मेल करो APSSB को। और जो आपके लोकल्स वीडियोस बनाते हैं, जो लोकल्स आपके रिपोर्टर्स हैं न्यूज़ चैनल्स हैं, उनसे भी है कि आप उनको भी इस चीज़ में इसको शेयर करो, तो उनको भी टैग करो कि आप इसको देखिए और इस चीज़ को आगे बढ़ाइए, क्योंकि वो लोग जो न्यूज़ चैनल्स हैं वो भी आपकी इन सारी चीज़ों को पब्लिश नहीं करते हैं, अपने रिपोर्ट्स में दिखाते नहीं है कि आपका एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, क्योंकि भाई स्टूडेंट है, स्टूडेंट को आपको पता है कि एक स्टूडेंट, मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ, अभी ये हो गया तो चलो ठीक है, ओके, बट मुझे पता है इन सारी चीज़ों की, वो 200 रुपये 500 रुपये के लिए कैसे कैसे करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं, ओके। इस चीज़ को आपको अंडरस्टैंड करनी, ये सेम चीज़ गवर्नमेंट को भी अंडरस्टैंड करनी चाहिए, उनको तो हमारे पैसे से टैक्स से वो मज़े कर रहे हैं, ठीक है, चाहे वो रोड को 10 बार गिरा दें, 10 बार बना दें एक ही को, चलो वो तो रेस्ट ऑफ थिंग्स हो गई, बट ये काम आपको करना करना ही है, ठीक है, आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। चलिए, थैंक यू वेरी मच, बट ये सारी चीज़ें आपको करनी है, ऑल द बेस्ट। इन केस कोई प्रॉब्लम होती है तो ये मेरा नंबर है, आप इस पर कॉल कर लो, इस पर मैसेज कर लो, आपको रिप्लाई मिल जाएगा, ओके। चलिए ठीक है, थैंक यू।